इस टाइम पर शॉर्ट्स बिल्कुल मत अपलोड करना, वो कभी वायरल नहीं होंगे। सो गाइस, अगर आपको ये पता चल जाए वो एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है आपके चैनल के अकॉर्डिंग, जिसपे वीडियो अपलोड करने से वीडियो वायरल होती है, तो आपकी कितनी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आज के इस वीडियो में आपको यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करने का सबसे बेस्ट टाइम बताऊंगा, और ये जेन्युइन तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, इसलिए पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपने यूट्यूब पे जितने भी शॉर्ट्स अपलोड करने की बेस्ट टाइम वाली वीडियो देखी होगी, सबने ये बताया होगा कि आपको यूट्यूब एनालिटिक्स के ऑडियंस सेक्शन से जिस दिन ये पर्पल लाइन डार्क हो उस दिन और उस टाइम पर वीडियो अपलोड कर देनी है, राइट? लेकिन आप भूलकर भी इस टाइम पर शॉर्ट्स को मत अपलोड करना, क्योंकि ये ग्राफ उस पॉपुलर टेक क्रिएटर का है जो कि आपको वीडियो बता रहा है, उसके सब्सक्राइबर उस समय एक्टिव होते हैं, आपके नहीं। दूसरी बात, अगर आपका एक न्यू चैनल है तो आपका कोई एनालिटिक्स होगा ही नहीं, कोई भी पर्पल ब्लू ग्रीन लाइन नहीं होगी, तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि किस टाइम पर वीडियो अपलोड करने से वीडियो वायरल होने के ज्यादा चांसेस है? अभी मैं आपको बिल्कुल एक जेन्युइन तरीका बता रहा हूं, और मैंने बहुत सारे पॉपुलर शॉर्ट क्रिएटर से बात की है, तो मैं आपको वो सीक्रेट टाइमिंग बताऊंगा जिससे वो वीडियो अपलोड करते हैं, उनके वीडियो वायरल होते हैं। बट उसे जानने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी इस वीडियो को लाइक करके जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आगे ऐसी हेल्पफुल वीडियोज मिलते रहे। सबसे पहली बात, हर चैनल कैटेगरी का अपना खुद का एक बेस्ट टाइम होता है शॉर्ट्स अपलोड करने का, और वो आप खुद ही अपने न्यू चैनल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, और कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको नहीं बताएगा कि आपको कब अपलोड करना है। आप खुद ही अपना बेस्ट टाइम फाइंड कर सकते हो। इसे निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ उस दिन कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करना है, राइट? पर ऐसा क्यों? पूरे प्रोसेस को आप ध्यान से समझोगे तभी आपको आपके चैनल के अकॉर्डिंग का बेस्ट टाइम पता चलेगा। सो सबसे पहले तो आपको अपने YouTube स्टूडियो ऐप को ओपन करना है, देन आपको सेंटर बॉटम में एनालिटिक्स का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको वो गलती नहीं करनी है जो कि अभी हजारों नए क्रिएटर्स कर रहे हैं, वो पॉपुलर टेक यूट्यूब क्रिएटर के चैनल डेटा से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आपको ये नहीं करना है, इससे आपके न्यू चैनल को बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको अपने यूट्यूब स्टूडियो ऐप के ओवरव्यू टैब पर क्लिक करना है, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पर आपको रियल टाइम व्यूज दिख रहा है उसके ग्राफ पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके चैनल को पिछले 48 घंटों में जितने भी टोटल व्यूज आए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये मैं आपको बिल्कुल एक न्यू चैनल का एनालिटिक्स दिखा रहा हूँ जिसने एक हफ्ते पहले ही चैनल स्टार्ट किया है, जो कि मेरे ही चैनल मेंबर का है, ताकि आपको ये प्रोसेस क्लियरली समझ में आ जाए। मैं आपको अपना डेटा शो नहीं कर रहा हूँ। आपके चैनल पर भी स्टार्टिंग में इतने व्यूज तो आते ही होंगे, और शायद इससे ज्यादा ही आते होंगे। अब यहाँ पर आपको लास्ट 60 मिनट के टैब पर क्लिक करना है। ये पिछले 60 मिनटों में आपके चैनल को जितने भी व्यूज मिले हैं वो दिखा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जेन्युइन स्टेप, आपको एक पेन और पेपर लेना है और इस व्यू काउंट को नोट कर लेना है। आपको सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का एक टाइम शेड्यूल बनाना है, और ऐसे ही हर घंटे का रियल टाइम व्यू काउंट नोट करते जाना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको 6 बजे यहां पर 28 व्यूज मिले हैं, सो जो भी एग्जैक्ट व्यूज आपको मिला है वो नोट कर लेना है। फिर आपको 7 बजे आके चेक करना है और उसके व्यू काउंट को भी नोट कर लेना है। ऐसे ही 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, फिर दोपहर के टाइमिंग्स, शाम और रात के टाइमिंग्स के सिर्फ लास्ट 60 मिनट का व्यू काउंट को नोट कर लेना है। पर इससे होगा क्या, पूरे प्रोसेस को अब आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसी से आपको पहले के मुताबिक में ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते हैं। अब जिस दिन आप ये टाइमिंग मेजर कर रहे हो उस दिन अगर आपने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि वो कौन सा ऐसा टाइम है जिस पे आपको बाकी टाइम के अलावा थोड़े ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। कम है, लेकिन बाकी टाइमिंग्स के अलावा थोड़े ज़्यादा व्यूज़ हैं। जैसे इस नए चैनल पर सुबह 8 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम 6 बजे सबसे ज़्यादा व्यूज़ है। ऐसे ही आपको अपने चैनल पर मेजर करना है, बट आपको उस टाइम पर भी वीडियो अपलोड नहीं करनी है। लेकिन ऐसा क्यों? यही वो ट्रिक है जो आपको पूरे YouTube पे और कोई नहीं बताएगा। सो इस प्रोसेस से आपको ये तो पता चल गया कि आपके चैनल के अकॉर्डिंग वो बेस्ट टाइमिंग क्या है, लेकिन आपको उस एग्जैक्ट टाइम पर भी वीडियो अपलोड नहीं करनी है, बल्कि आपको ठीक उससे 5 मिनट या 10 मिनट पहले वीडियो अपलोड करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको सबसे ज्यादा व्यूज शाम 6 बजे मिल रहे हैं, तो आपको 6 बजे नहीं बल्कि 5:50 या 5:55 पर वीडियो अपलोड करनी है। क्यों? बिकॉज आप यहां ये तो समझ गए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। लेट सपोज आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर है और आपके 300 लोग इस टाइम पर ज्यादा एक्टिव है, वो दूसरे के वीडियोस देख रहे हैं। सो
उस बेस्ट टाइम के 5 मिनट पहले अपलोड करने से अगर यही 300 लोग दूसरे के वीडियोस को देखते देखते आपके वीडियो को भी देख लेते हैं और आपका वीडियो फर्स्ट आवर में रैंक कर गया, तो इन्हीं 300 लोगों के देखे गए व्यूज से YouTube का एल्गोरिथम आपके वीडियो को 3000 नए लोगों को रिकमेंड करेगा, उनके देखे गए व्यूज से 3,00,000 लोगों को और ऐसे ही 3,000,000 लोगों तक भी वो वीडियो रिकमेंड कर सकता है। सो बेस्ट टाइम पर वीडियो अपलोड करने से बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाती है वीडियो के वायरल होने की। लेकिन अभी भी पूरा प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। अगर आपका बिल्कुल एक नया चैनल है, कोई भी एनालिटिक्स नहीं है, कोई भी वीडियो नहीं है, कोई रियल टाइम डेटा नहीं है, तो वो क्या सीक्रेट टाइमिंग है जिसपे वीडियो अपलोड करने से वीडियो के वायरल होने के सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं, आज मैं आपको वो बता ही देता हूं। बट उसे जानने से पहले आप अभी इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दो, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज अभी कर दो। सो इसे पता करने के लिए मैंने बहुत से अलग अलग कैटेगरी के पॉपुलर शॉर्ट क्रिएटर से कॉन्टैक्ट किया उनके सोशल मीडिया और फोन पर, और उनसे एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा कि आप किस समय वीडियो को अपलोड करते थे जब आप नए थे और आपकी वीडियोस वायरल हुए, उस पे लाखों में व्यूज और सब्सक्राइबर है, तो सबके अलग अलग कैटेगरी के टाइमिंग को नोट करके पूरा रिसर्च करके 3 बेस्ट टाइम पता चला है जिसपे अभी भी बहुत सारे पॉपुलर क्रिएटर्स वीडियो को अपलोड करते हैं। फर्स्ट टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे के बीच, चैनल कैटेगरी जैसे न्यूज शॉर्ट, फैक्ट्स, करंट अफेयर्स, व्लॉग्स, एजुकेशनल शॉर्ट्स के पॉपुलर क्रिएटर्स इस टाइम पर वीडियो को अपलोड करते हैं, क्योंकि इस समय बहुत से यंग जनरेशन के पीपल यूट्यूब पर एक्टिव होते हैं और वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट इस समय देखते हैं। सेकेंड टाइमिंग पता चला है दोपहर 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच, चैनल कैटेगरी जैसे कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, DIY, आर्ट, फैशन ट्यूटोरियल के पॉपुलर क्रिएटर्स इस टाइम पर ज्यादा शॉर्ट्स को अपलोड करते हैं, क्योंकि एक मिड ब्रेक टाइम है बहुत सारे हाउसहोल्ड गर्ल्स ऑफिस एम्प्लॉय का, जिसमें वो इस टाइप के शॉर्ट्स को ज्यादा देखते हैं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमिंग, और जिसे हम गोल्डन टाइमिंग बोलते हैं, वो है शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच का। इसमें हर एक पॉपुलर चैनल कैटेगरी का क्रिएटर जैसे कि कॉमेडी, रोस्ट, ब्लॉग, फैक्ट्स, एजुकेशनल, गेमिंग चैनल के क्रिएटर्स इस टाइम पर ज्यादा शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, क्योंकि ये एक हाई टाइम है, सबसे ज्यादा एक्टिव टाइम है यूट्यूब पर व्यूअर्स का। और इस टाइम पर वीडियो अपलोड करने से अगर आपका एक बिल्कुल न्यू चैनल है तो आपको ज्यादा रीच मिल सकती है, क्योंकि इस टाइम पर पॉपुलर क्रिएटर्स के सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो उनके वीडियोस को स्क्रॉल करते करते अगर आपका चैनल कैटेगरी भी सेम है तो वो आपके वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको वीडियो अपलोड करने का सबसे बेस्ट टाइम बता दिया। अगर आपका एक नया चैनल है तो रियल टाइम व्यूज के अकॉर्डिंग सबसे इंगेज टाइम पर आप शॉर्ट्स को अपलोड कर सकते हो, और अगर आपका एक बिल्कुल ही न्यू चैनल है, 0 सब्सक्राइबर है, तो आप अपने चैनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन 3 बेस्ट टाइमिंग में वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि बेस्ट टाइम पर वीडियोस को अपलोड कर देने से और बैठ जाने से वीडियो वायरल नहीं होगी। उसे वायरल करने के लिए आपको अपना कॉन्टेंट तो इंगेजिंग बनाना होगा ही, साथ ही में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने शॉर्ट्स को सही तरीके से अपलोड करना प्रॉपर SEO के साथ। अब आप अपने शॉर्ट्स को सही तरीके से अपलोड करने के लिए और उसे वायरल करने के लिए अभी ये वीडियो को चेक करो। इसमें मैंने बिल्कुल एक नया जेन्युइन और सबसे सही तरीका बताया है शॉर्ट्स को अपलोड करने का, और इसे 3 दिनों में 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों ने देखा है, इस ट्रिक को यूज किया है और उन्हें बहुत बेनिफिट मिली है। तो आप भी इसे चेक करो, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।